अगर आप एक रेस्टोरेंट ओनर हैं या फिर एक कैफ़े ओनर हैं और आप अपने रेस्टोरेंट और कैफ़े को ऑनलाइन ग्रो करना चाह रहे हैं तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक कंप्लीट सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो दी है इस वीडियो में, जिसको आप फॉलो करके आप अपने रेस्टोरेंट और कैफ़े को ग्रो कर सकते हो। तो जो हमारा मेन फोकस होगा वो रहेगा अवेयरनेस पर, कॉन्टेंट मार्केटिंग पर, और हम लोगों ने यूनिक ऑफर्स निकाले हैं मार्केटिंग आइडियाज़ पर, लोकल SEO पर। अब बात करते हैं ब्रांड एनालिसिस की। तो सबसे पहले हमने ये देखना होगा कि जो हमारा ब्रांड है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है ऑनलाइन वर्ल्ड में। हमने जो है अपने कॉम्पिटिटर्स जो अलग रेस्टोरेंट और कैफ़े ओनर्स हैं वो किस तरह से सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं वो भी देखना होगा। साथ में हमने एक वेबसाइट बनानी है जो आपकी 3 पेज की हो सकती है, 5 पेज की हो सकती है, ताकि आपके रेस्टोरेंट का जो है एक प्रोफेशनल आपका एक स्टैंड बन सके, वो एक ब्रांड की ओर जा सके। उसके बाद जो है आपने जो सोशल मीडिया चैनल्स होते हैं, जैसे कि हमारा सबसे मेन होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और गूगल मैप बिजनेस, तो आपने इस पर जो है प्रोफेशनल सेटअप करना है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोगों से लेनी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सोशल मीडिया की और कंटेंट मार्केटिंग की। तो हमारे यहाँ पर आते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। तो हमने जो है यहाँ पर अपना मिक्स कंटेंट जो है वो अपलोड करना है। यहाँ पर हम जो है पोस्ट की फॉर्म में जो है अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, जिसमें हमारी डिशेज हो सकती हैं, साथ में हम लोगों के प्रमोशनल पोस्ट हो सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमारे ऑफर्स चल रहे हैं किसी फेस्टिवल पर, तो हम लोग है उस तरह के जो ऑफर्स हैं उनको भी पोस्ट कर सकते हैं ताकि पब्लिक को पता लग सके। अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है तो उस पर हम विशेष के तौर पर जो है वो भी पोस्ट बना सकते हैं। साथ में हम अपना कंटेंट रील और शॉर्ट में, जैसे कि हम अपने खाने के प्रोफेशनल रील जो है वो शूट करके इंस्टाग्राम पर और शॉर्ट में अपलोड कर सकते हैं। हम जो है खाने से रिलेटेड क्रिएटिव्स भी बना सकते हैं और मीम्स मार्केटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके वहाँ पर इवेंट्स होते हैं तो आप जो है इवेंट भी अपने रिकॉर्ड करके वीडियो की फॉर्म में या रील की फॉर्म में वो भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। और आप जो है टेस्टिमोनियल भी रिकॉर्ड करेंगे, जो गेस्ट आपके वहाँ पर आते हैं कस्टमर्स, आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि सर हमारे यहाँ पर जो एम्बियंट है और यहाँ पर जो खाने का स्वाद है, क्वालिटी है, उसके बारे में आप जो है टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करके अपने सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। आप जो है गेस्ट की स्टोरी कवर कर सकते हैं कि कैसे जो हमारी सर्विसेज हैं वो हैं, हम कैसे अपने गेस्ट को जो है वो हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि हमारे वेटर्स जो होते हैं किस तरह से वो मान के चलिए पानी या फिर मान के चलिए और भी चीज़ें जो हैं किस तरह की सर्विसेज आप उनको दे रहे हैं, वो चीज़ें भी कवर कर सकते हैं। साथ में आप जो अपना रेस्टोरेंट का या कैफ़े का इंटीरियर है उसकी भी वीडियो बना करके आप जो है अपने सोशल मीडिया पे शेयर करोगे। साथ में अगर आपका जो रेस्टोरेंट है काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है तो आप जो है ड्रोन शूट में अपना एक ओवर वीडियो बनाओगे और उनको जो है सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो। साथ में उस कंटेंट को आप जब वीडियो एड बनाओगे अवेयरनेस में, आप तब भी उसको यूज़ कर सकते हो। अपने जो है अपने किचन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं कि आपका खाना जो हो रहा है बेसिक वो आप किस तरह से बनाते हो, इसमें हाइजीन का किस तरह से ध्यान रखा जाता है, ये सब चीज़ों को आप जो है सोशल मीडिया पे डालोगे, ताकि जब भी आपका सोशल मीडिया पे कोई नया क्लाइंट आए तो वो आपके यहाँ पर एक बार आने को ज़रूर इच्छुक हो। जितना आप हाइजीन पर ध्यान देंगे उतना ही आपके कस्टमर जो है आपके रेस्टोरेंट में आना पसंद करेंगे। तो किचन एक्टिविटी और हाइजीन से जो है आप अपने कस्टमर्स को जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हो। साथ में आप कुछ इन वीडियोस को भी रिकॉर्ड कर सकते हो अपने ओवरव्यू वीडियो में कि आपके यहाँ पर काफ़ी सारे गेम्स हैं, जैसे कि शतरंज हो गया और डार्ट बोर्ड हो गया और इस तरह के जैसे कि टेबल टेनिस हो गया, कि यहाँ पर हमारे जब आप हमें ऑर्डर करते हैं तो वेटिंग एरिया में ये सारे गेम्स हैं, तो आप इन सब चीज़ों की वीडियो बना करके अपने सोशल मीडिया पर शेयर करोगे। अब बात आती है लोकल SEO की। तो लोकल SEO में जो है हमारा लोकल SEO कम्प्लीटली डिपेंड करता है गूगल मैप बिजनेस पर और लोकल साइट्स पर। तो हमने जो है अपनी लोकल लिस्टिंग साइट्स पर जो है अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, जैसे कि JustDial हो गया, IndiaMart हो गया, और साथ में हम जो है फूड डिलीवरी साइट्स पर भी जो है अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, जैसे कि Zomato हो गया और हमारा स्विगी हो गया, इन सब पर जो है हम अपनी प्रोफाइल बनाएंगे ताकि हमारा ऑप्टिमाइजेशन बेहतर हो सके। लेकिन हमारा लोकल SEO जो है वो होगा हमारे गूगल मैप बिजनेस से, ताकि कोई भी बंदा जो है अगर लिखता है कि बेस्ट रेस्टोरेंट या फिर बेस्ट चाइनीज़ रेस्टोरेंट इन हल्द्वानी, तब जो है हमारा
रेस्टोरेंट वहाँ पे टॉप में आ सके, तो उसके लिए जो है आपने अपने जो है गूगल माय बिजनेस में प्रोफेशनल सेटअप करना होगा, जिसमें आप अपने जो पोस्ट डालेंगे और अपडेट की फॉर्म में जो है हमारे यहाँ पर अपडेट जाते हैं वो अपलोड करोगे। साथ में आप जो है टेस्टिमोनियल भी जो है अपलोड कर सकते हो 70 MB तक, वो भी आप वहाँ पर अपलोड करोगे। और गूगल माय बिजनेस में जो है रिव्यू जो है वो सबसे अच्छी चीज़ होती है। जितने आपके रिव्यूज़ गूगल माय बिजनेस पे होंगे उतनी आपको रैंकिंग मिलेगी, तो आप जो है सारी चीज़ें वहाँ पे अपडेट करेंगे और प्रोडक्ट सेक्शन में जा करके आपके पास जो जो डिशेज हैं आप उनको जो है वो ऐड करोगे ताकि आपका प्रोफेशनल सेटअप हो सके। साथ में आप जो है मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कराओगे ताकि अगर कोई भी क्वेरी करता है तो वहाँ से आप उस क्वेरी का जवाब दे सको, साथ में कोई भी चीज़ अगर उसको जाननी है तो वहाँ से वो जान सके। अब बात आती है WhatsApp एंड SMS मार्केटिंग की। तो जब भी आपका कस्टमर आपके पास फर्स्ट टाइम आता है तो उस टाइम पर आपने जो है उसका मोबाइल नंबर और उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है इस तरह का डेटा जो है वो लेना है और आपने जो है इससे एक अपना डेटा बनाना है ताकि आप जो है उसको फ्यूचर में जो है वो अपने ऑफर्स और मान के चलिए आपके पास कोई इवेंट आते हैं तो उनको दिखा सके। क्योंकि जब भी आपके पास एक कस्टमर आता है रेस्टोरेंट बिजनेस में तो आपके पास वो बार बार आता है, अगर आपकी सर्विसेज और आपके फूड की क्वालिटी अच्छी होती है तो आप उनको अपने ऑफर दिखा करके अपनी सेल इंक्रीज कर सकते हो व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू और SMS मार्केटिंग के थ्रू। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग और SMS मार्केटिंग से आप अपनी अच्छी खासी जो है सेल इंक्रीज कर सकते हो। अब बारी आती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। तो सबसे पहले आपने जो है अपने आसपास के जो लोकल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी लिस्ट बनानी होगी और उनको जो है अपने रेस्टोरेंट में इनवाइट करना होगा और उनको बोलना होगा कि आप जो है हमारे रेस्टोरेंट में आइए और हमारे यहाँ पर जो खाना है उसको इन्जॉय करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपनी ऑडियंस को बताइए कि हमारे यहाँ पर जो खाना है वो उसकी क्वालिटी क्या है हमारी सर्विसेज के बारे में, ताकि जब उनकी ऑडियंस उनका ब्लॉग या फिर उनके रील्स देखेगी तो उससे जो है आपकी अवेयर हो सके। साथ में आप जो है कुछ इन्फ्लुएंसर इस तरह के भी कर सकते हो कि आप एक स्क्रिप्ट लिखें और उनसे जो है उनके रील में जो है वो स्क्रिप्ट बुलवा कर जो है आप उसके थ्रू भी अवेयरनेस कर सकते हो। साथ में आप जो उस रील को जो है अपने जो है ऐड में भी यूज़ कर पाओगे। अगर मान के चलिए आप जो है बड़े इन्फ्लुएंसर को टारगेट करना चाह रहे हो तो आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जैसे कि जो सिटी को जो है वो एक्सप्लोर करते हैं या फिर ट्रैवल ब्लॉगर होते हैं, तो आप उसके लिए जो है अपनी वेबसाइट में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाओगे ताकि अगर कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर आपके पास आना चाह रहा है तो वहाँ पर वो रजिस्टर कर सके। सेम सिनेरियो में जो है आप उनसे यही बोलोगे कि सर आप हमारे यहाँ पर हमारे फूड को जो है वो इन्जॉय करिए और आप अपनी ऑडियंस को बताइए ताकि अगर कोई भी बंदा अगर हमारी सिटी में विजिट करना चाह रहा है तो वो यहाँ पर आकर के हमारे फूड को इन्जॉय कर सके। अब बारी आती है बिजनेस आइडियाज़ की। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारा फोटोग्राफी इक्विपमेंट। तो आपने जो है यहाँ पर अपने रेस्टोरेंट के लिए एक क्रिएटिव एरिया बनाना होगा पूरा, जहाँ पर आप जो है अपने ब्रांडिंग के साथ में वहाँ पर आपका फोटोग्राफी इक्विपमेंट भी होगा, साथ में आपकी ब्रांडिंग भी होगी ताकि वहाँ पर लोग जो है वो फ़ोटो ले सकें। तो आजकल जो है रेस्टोरेंट में काफ़ी फ़ोटोज़ का जो है वो ट्रेंड चलता है कि हर कोई जो भी जाता है वो वहाँ पर फ़ोटोज़ खींचता है। तो वहाँ पर आप जो है एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं कि जो भी यहाँ पर फ़ोटो खींच कर हमें टैग करेगा और उस महीने में जो भी मान के चलिए हमारे यहाँ पर विजिट किया है उसकी प्रोफाइल में उस फोटोज़ पर सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे या फिर इंगेजमेंट होगा वो हमारी साइड से विनर होगा। तो इस तरह से सब लोग जो है उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। हमें जो है प्राइज़ ओनली एक ही लोग को देना होगा जिसकी प्रोफाइल पर सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट होगा, तो इससे आपकी काफ़ी अवेयरनेस हो सकती है। आप जो है एक बड़ी सी थाली लॉन्च कर सकते हैं और उसमें इस तरह का विनिंग प्राइज रख सकते हैं, जो भी इसको 10 मिनट में ख़त्म करेगा उसको जो है 5,000 रुपीज़ मिलेंगे, अगर वो नहीं कर पाता है तो उसको पे करना होगा। तो इस तरह से भी काफ़ी आपकी अवेयरनेस हो जाती है। आप जो है ट्रेंड मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ट्रेंड मार्केटिंग का जो है इस तरह से होता है, आपने जो है वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना होता है। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं ICC वर्ल्ड कप चल रहा है, अगर जो है इंडिया जीत जाती है वर्ल्ड कप तो आप इस तरह का जो है वो ट्रेंड चला सकते हैं कि जो भी हमारी टीम में खिलाड़ियों के नाम हैं उस नाम का अगर कोई भी गेस्ट हमारे यहाँ पर पे आएगा उस एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में और हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से उसको 50% डिस्काउंट मिलेगा, तो इस तरह के
ट्रेंड मार्केटिंग भी आप जो अपने रेस्टोरेंट में फॉलो कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ये एक तरह की यूनिक मार्केटिंग भी है। आप जो अपने रेस्टोरेंट में इवेंट्स करा सकते हैं, साथ में अगर जो लाइव म्यूजिक वाला कॉन्सेप्ट है आप वो भी कर सकते हैं ताकि आपके यहाँ पर कोई डिनर पे आ रहा है या फिर कोई भी लंच पे आ रहा है तो उनको इस तरह का जो है वो एक्सपीरियंस देखने को मिले। और गेम वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ताकि जब भी कोई बंदा आपके यहाँ पे ऑर्डर करता है तो उस वेटिंग टाइम में आपका कस्टमर बोर ना हो और वो सारे गेम खेल सके। लास्ट नोट द लिस्ट में आता है रिव्यू स्ट्रेटजी। अगर आपको आपका कोई भी गेस्ट जो है वो गूगल माई बिजनेस पे रिव्यूज देता है तो आप उसके लिए जो है वो डेजर्ट फ्री कर सकते हैं। इससे आपका गूगल माई बिजनेस जो है आपके सिटी में जो है वो टॉप पर रैंक करेगा। इस तरह से आप अपने गूगल माई बिजनेस पर रिव्यूज़ बढ़ा सकते हो। अब बारी आती है पेड एडवर्टीजमेंट की। तो आपने जो है अपना पेड एडवर्टीजमेंट आपने सोशल मीडिया पे करना होगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। उससे पहले आपने अपना जो है एक बायर पर्सोना बनाना होगा कि आप किस एज को टारगेट करने वाले हो और आप किन लोगों को टारगेट करोगे जिनका इंटरेस्ट किन चीज़ों में हो। जैसे कि मान के चलिए उनकी जो इंटरेस्ट हो लाइक देयर, जैसे कि कोई एनिवर्सरी आने वाली हो इवेंट्स में, या उनका बर्थडे आने वाला हो, या फिर जो है जो लोग ट्रैवल करते हों, या फिर जो लोग जो है जैसे कि मान के चलिए कपल्स हों, आप उनको टारगेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो है उनका बायर पर्सोना बनाओगे और आप उनको जो है अपनी ऑफर्स, जैसे कि आपको कोई फेस्टिवल आ रहा है उस पे जो है ऑफर्स दिखा सकते हो ताकि वो आपके उस ऑफ़र को देख करके आपके रेस्टोरेंट में विज़िट करें। साथ में आप जो है इनको पोस्ट के थ्रू भी जो है वो टारगेट कर सकते हो, या आपने जो अपना ओवरव्यू वीडियो बनाया था जिसमें सारी चीज़ें आपने दिखाई थी, अपना एम्बियंस और आपके जो सर्विसेज हैं वो, आपकी फूड की क्वालिटी, तो आप जो है उन वीडियोस के थ्रू भी जो है उनको टारगेट कर सकते हो जिससे आपकी अवेयरनेस ज़्यादा होगी। तो इस तरह से जो है आप इस सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपने रेस्टोरेंट की जो है वो ऑनलाइन मार्केटिंग करके अपने यहाँ पर जो है सेल इंक्रीज कर सकते हो। तो इस सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप अपने रेस्टोरेंट को जो है वो ऑनलाइन वर्ल्ड में काफ़ी ग्रो कर सकते हो और अपनी सेल भी इंक्रीज कर सकते हो। और आपने ये सारी यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है सोशल मीडिया पर अगर अप्लाई करें तो ये जो है वो काफ़ी यूनिक हो जाएगा आपके कॉम्पिटिटर से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें। अगर आपने इस सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी को PDF फॉर्म में डाउनलोड करना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोगों से चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।